तुला राशि वालों, शनिवार का दिन 30 सितंबर, आज ध्रुव योग, रेवती नक्षत्र का बुध चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र का केतु, जिसके प्रभाव से आज आपके जीवन में सुख संपत्ति बढ़ेगा, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके जीवन से दूर होगा। ज्यादा धन कमाना, इच्छा को पूरा करना, भाग्यशाली होना, सुख समृद्धि के साथ जीवन के सुखों का भोग करना। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा कल्याणकारी दिन है, क्योंकि मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति चार चरण में जब दिन व्यतीत होगा, तब आपके सपने भी साकार होंगे और जीवन में तरक्की का अवसर भी प्राप्त होगा, क्योंकि बुध केतु के प्रभाव से बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि से आज आप भाग्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे। आज का दिन लाभकारी दिन है, सुख संपत्ति लेकर आया है। आज आपकी कुंडली के लग्न के ऊपर केतु का गोचर है और अश्विनी नक्षत्र का केतु आपके व्यक्तित्व को निखारता है। आज बुध आपकी कुंडली के लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। रेवती नक्षत्र का बुध जब लाभ स्थान में गोचर करता है, तो उसकी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर होती है और पंचम भाव आपके परिवार में खुशी और सुख लेकर आता है। आज चंद्रमा की स्थिति आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, क्योंकि चंद्रमा आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ युक्ति करेगा। साथ ही शुक्र का कर्म स्थान में गोचर करना और द्वादश में मंगल के साथ सूर्य की युक्ति होना ईश्वर इशारा कर रहा है। सारे कष्ट, बाधा, दुख, दर्द से अब आपको छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में तरक्की, उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। वैभवशाली जीवन होगा, जिसमें सफलता भी होगा, धन भी होगा, सुख भी होगा, संपत्ति का अवसर भी प्राप्त होगा। यानी अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलने की क्षमता आज आप में होगा। आप भाग्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे। गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। आज का दिन आपके लिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का दिन है। अपने जीवन में खुशी और सुख कमाने का दिन है। आज तुला राशि वालों के लिए दिन बड़ा शुभ है। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शनिवार का दिन 30 सितंबर, चंद्रमा की स्थिति आज आपको भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा आज मंगल के घर से निकलकर आपके लिए लाभ का अवसर लेकर आएगा। चंद्रमा जो बृहस्पति के साथ गोचर करेगा, सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। आज का दिन आपके लिए लाभ, सौभाग्य, धन और भाग्य को बढ़ाने वाला साबित होगा, क्योंकि बुध केतु का प्रभाव है, बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि है, आसीन माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और ध्रुव योग है। शनि की स्थिति आज बुध और केतु से प्रभावित है। केतु के पंचम भाव में शनि का गोचर, शनि के सप्तम भाव में बुध का गोचर और शनि के नवम भाव में केतु का गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। जब केतु, शनि और बुध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उस समय शुक्र के सुख भाव में राहु का गोचर होगा। अचानक धन कमाने का अवसर मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आज आप में आकर्षण होगा, सुख पाने की कामना होगी, उपलब्धि तरक्की अपने मेहनत से आप प्राप्त करेंगे और आपकी स्थिति पहले से अच्छी होगी। दुर्लभ संयोग है, भाग्यशाली योग है, क्योंकि बुध और केतु का प्रभाव है। बुध की स्थिति इस समय बेहतर है।
क्योंकि बुध आज पूर्वा फागुनी नक्षत्र में शुक्र से प्रभावित है, जबकि केतु चित्रा नक्षत्र में मंगल से प्रभावित हो गया है। वहीं शनि सद्विषा नक्षत्र में राहु से प्रभावित है और राहु अश्विनी नक्षत्र में केतु से प्रभावित है। यानी नौ ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में धन का लाभ लेकर आया है। सफलता कामयाबी का योग बनाएगा, आपके बिगड़े काम भी बनेंगे और आपके जीवन में उमंग उत्साह भी बढ़ेगा। आज का दिन सफलता प्राप्त करने का दिन है। आज का दिन कार्य की उन्नति से सुख पाने का दिन है। आज का दिन कार्य की सफलता और इच्छा को पूरा करने वाला तरक्की का नया अवसर लेकर आएगा। नई उमंग नया जोश से और अपने जीवन में भाग्यशाली आप होंगे। समय शुभ है, समय अच्छा है, तो जीवन के हर क्षेत्र में लाभ का योग बनेगा, भाग्य का सितारा बुलंद होगा। आज केतु और बुध का प्रभाव है। बुध आज के दिन को शानदार बना रहा है, जबकि केतु के कारण आपका जुनून जागेगा। रहस्यमय व्यक्तित्व ज्यादा आकर्षण और सुख लेकर आएगा। स्वाभिमान भी बढ़ेगा, लाभ उन्नति का अवसर भी प्राप्त होगा। आज का दिन ऐश्वर्यपूर्ण दिन है, प्रभावशाली दिन है। मजबूत इरादे से अपने काम को करते जाएं, निश्चित ही आपके जीवन में कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। आज दो ग्रह बुध और केतु का प्रभाव और बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि से बड़े भाग्यशाली आप हैं। संघर्ष पर जीत हासिल करना, योद्धा की तरह काम करना, स्त्री से प्यार करना, साहस पराक्रम से सफलता पाना, कार्य कुशल से सुख पाना, यानी जीवन में खुशी के साथ विजय प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा। सुख प्रेम आनंद और खुशियों से भरा आज का दिन आपके लिए लाभ का अवसर लेकर आएगा। आज आपके जीवन में धन वैभव बढ़ेगा। बल बुद्धि से युक्त आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित होगा। हर काम में तरक्की उन्नति और खुशखबरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध का प्रभाव केतु का प्रभाव आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है और केतु इस समय बृहस्पति से भी प्रभावित है, जिसके कारण जीवन की चिंताएं दूर होगी, भाग्य बढ़ेगा और आपके जीवन में मनचाहा परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। आज का दिन कई मामलों में आपके लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आज भाग्यशाली भी आप हैं। बाधा से निराशा से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है। अपने उद्देश्य की पूर्ति अपनी क्षमता से आप करेंगे। सुख वैभव खुशहाली जीवन आपका होगा। मुश्किलों पर विजय प्राप्त करेंगे और खास करके बुध केतु के प्रभाव से बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि से आज का दिन आपको तेजस्वी पराक्रमी और परिश्रमी बना रहा है। स्वाभिमान और मान सम्मान, जीवन में लाभ और तरक्की का योग है। यानी हर तरह से आज साहस शक्ति स्वाभिमान को बढ़ाने वाला सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला बेहतर दिन आपको बड़ा भाग्यशाली बना रहा है। आज ध्रुव योग है, चमकता हुआ भाग्य आपका है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी शुक्र है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि है, तृतीय चरण का स्वामी बृहस्पति है, प्रथम चरण का मंगल और चतुर्थ चरण का बृहस्पति। दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके किस्मत के द्वार को खोल सकते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं जिसके प्रभाव से पारिवारिक जीवन सुंदर होता है, जिसके प्रभाव से नौकरी व्यापार अच्छा चलता है, लाभ की स्थिति धन की स्थिति का निर्माण होता है। वहीं द्वितीय चरण का शुक्र और चतुर्थ चरण का शनि जीवन में लाभ लेकर आता है, सुखी संपन्न आपको बनाता है, संबंध की मधुरता आपको खुशी देती है और जीवन में लाभ और तरक्की आपकी होती है। आज आपके भाग्य के सितारे चमक रहे हैं। शनिवार का दिन है, हनुमान जी की आराधना करने से कार्य में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मंगल जब
सूर्य के साथ गोचर करता है तो बाधा रहित वैभवशाली जीवन होता है। आज का दिन आपके लिए लाभ, सौभाग्य, धन संपत्ति, उन्नति और भाग्य का साथ लेकर आया है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज राहु काल 9:12 से 10:42 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज ये पूर्व दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा, लकी नंबर 6 होगा। तो आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली दिन है, लाभकारी दिन है। शुभ मुहूर्त सुबह 4:37 में ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुभ शुरुआत होगी, जबकि अभिजीत मुहूर्त 11:47 और विजयी मुहूर्त 2:10 आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और अमृतकाल रात्रि 6:57 के बाद का समय आपके लिए और भी ज्यादा कल्याणकारी रहेगा। दिन शुभ है, भाग्य अच्छा है, तो जीवन में लाभ और धन कमाने के लिए आप परिश्रम अवश्य करें। आपके परिश्रम आपकी किस्मत को बदलेगा, आपका परिश्रम आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके जीवन में सफलता, सुख, सौभाग्य का शुभ अवसर लेकर आएगा। तो आज केतु, शनि, बुध, शुक्र, राहु के साथ थे बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि लाभकारी सौभाग्यशाली योग बना रहा है। शनिवार का दिन है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।